खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जी आपको बताते चलो, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में शपथ ग्रहण से पहले भाजपा बीजेपी के विधायक दल की बैठक 24 मार्च को लोकभवन में होगी। वहीं बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को 24 मार्च को राजधानी लखनऊ में रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे। जी आपको बताते चले कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर 25 मार्च की शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों को समारोह के लिए खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कई मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। इनमें कुछ पुराने चेहरे के साथ काफी संख्या में नए चेहरे के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जी आपको बता दें, पिछले कार्यकाल में खराब प्रदर्शन भी कई मंत्रियों के आने आ सकता है, जबकि सरकार के एकाध प्रमुख चेहरे संगठन में और संगठन से कुछ को सरकार में भेजा जा सकता है। वहीं वर्ष 2024 को ध्यान में रखते हुए बिछाई जा रही इस बिसात में चेहरे का चयन तमाम समीकरणों को साधने के लिए लिहाज से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में 255 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। वहीं योगी बीते 37 साल में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि उपस्थित रहेंगे। जी आपको बता दें, बीजेपी यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन करने की योजना बन रही है। हर जिले में LED स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का प्रसारण किया जाएगा।